साउथ इंडस्ट्री में कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी अभिनेत्री मैरी शीला जेबरानी, जो कि साउथ में याशिका के नाम से काफी मशहूर थी, उन्होंने आज चेन्नई में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। खबरों की माने तो उन्होंने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड करने से पहले अपनी माँ को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। इस सुसाइड नोट पर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि उनके बॉयफ्रेंड उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। याशिका और उनके बॉयफ्रेंड मोहन बाबू के प्यार की कहानी उस दौरान शुरू हुई जब वह वाडापानी के हॉस्टल में रहती थी। मोहन बाबू वहीं पर सेलफोन सेवा केंद्र के कर्मचारी थे। ये दोनों वहीं पर एक दूसरे के प्यार में गिरे, जिसके बाद इन दोनों ने पेरावलूर के GKM कॉलोनी में किराए पर एक घर लिया और दोनों वहीं पर साथ साथ रहने लगे। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स की माने तो याशिका से झगड़ा होने के बाद घर छोड़कर चले गए, जिसके बाद वह उनके पास कभी भी वापस नहीं आए, जिसकी वजह से यह अभिनेत्री डिप्रेशन में चली गई और यही वजह है जिसने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया।